गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम आपको रसायन विज्ञान के अध्याय एक में ठोसों के गुण के अगले लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने क्या समझाया था कि उनकी चालकता के आधार पर ठोसों के कितने वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्ग थे उनके, चालक, अर्धचालक और अचालक। अब इसको हम बैंड सिद्धांत के आधार पर बांटेंगे कि बैंड सिद्धांत के आधार पर किसे चालक कहते हैं, किसे अचालक कहते हैं और किसे अर्धचालक कहते हैं। देखते हैं इसमें आपको बताएंगे कि चालक, अचालक और अर्धचालक क्या है। अब उससे पहले आपको समझना क्या है इसमें, बैंड सिद्धांत क्या होता है। बैंड सिद्धांत पहले समझ लीजिए। बैंड सिद्धांत आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से आपको आ जाएगा। कोई भी परमाणु है, परमाणु में नाभिक होता है और इसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। ये परमाणु है और इसको बोलते हैं नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक और इसके चारों ओर जो वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, कक्षक। अब इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में कूद जाता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी कक्षक को छोड़कर ऊपर वाले कक्षक में चला जाता है और लगभग 10^8 सेकंड तक वहां रहता है, उसके बाद पुनः अपनी स्थिति में चला आता है। तो बैंड सिद्धांत का मतलब क्या है, इसमें आपको यही समझना है। ये केवल आपको परमाणु के बारे में बताया गया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कभी कभी क्या होते हैं, नाभिक से, ये नाभिक से बंधे होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बीच जो बल लगता है वो कमजोर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपरी कक्षा में कूद जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में कूदते हैं तो क्या होता है, ये बैंड बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, बैंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। मतलब परमाणविक कक्षक जो होते हैं ये परमाणविक कक्षक हैं, इसके द्वारा ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा बंधे होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन ये क्या है, कभी कभी इनके बीच बल कम हो जाता है और ये अपनी पास वाली सबसे नजदीक वाली कक्षक में जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन सबसे पास वाली कक्षा में कूद जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, बैंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बैंड का निर्माण होता है। चलो इसको हम इसमें दिखाते हैं, दूसरे फिगर में दिखाते हैं ये कैसे होगा। ये तो परमाणुओं में दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को छोड़कर अपने पास वाली कक्षा में कूदते हैं तो किसका निर्माण होता है, बैंड का निर्माण होता है। अब इसमें देखते हैं, मान लेते हैं एक कक्षक है ये और दूसरा कक्षक यहां पर ये दिया गया है। ये पहला कक्षक है, ये दूसरा कक्षक है, इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजी, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। ऐसा क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलेंगे चालन बैंड। बच्चे थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर देखिए, इसको हम बोलते हैं चालन बैंड, चालन बैंड। ऐसो क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे यहां पर इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर जो बैंड बनेगा
यहाँ पर जो बैंड बनेगा उसको संयोजी कहेंगे, उसको संयोजी कहेंगे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदते हैं उसको क्या बोलते हैं, चालन। क्यों इसको चालन बैंड बोला जाता है ये भी समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में कूदेंगे, जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में कूदते हैं तभी विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन बच्चों कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में कूदेगा तो ये गमन करेगा, इनके गमन से क्या है, विद्युत का निर्माण होगा। तब विद्युत का निर्माण कब हुआ, जब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आया। इस कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब क्या है, विद्युत का चालन होगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चालन बैंड। क्योंकि संयोजी बैंड से जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें कूदेगा नहीं तब तक विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आते हैं तभी क्या है, विद्युत चालन होता है। इसलिए इसको बोलते हैं चालन बैंड। अब देखिए इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ये रिक्त स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं, निषिद्ध ऊर्जा बैंड। इसको क्या बोलते हैं, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, निषिद्ध ऊर्जा बैंड। तो आपको चालन बैंड, संयोजी बैंड और निषिद्ध ऊर्जा बैंड के बारे में बताया गया। यहां पर दिया गया है कि ये बैंड तीन प्रकार के होते हैं, मतलब बैंड कितने प्रकार के बनते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से हो जाते हैं, संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं पहले से, चालन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर कूदता है उसे चालन बैंड, अर्थात इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तभी विद्युत का चालन होता है। और इनके बीच में जो रिक्त स्थान बचता है उसको क्या बोलते हैं, निषिद्ध ऊर्जा बैंड। इसकी ऊर्जा को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा ई से। इसके बीच की ऊर्जा किससे शो करते हैं, डेल्टा ई से शो करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसे तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, चालन बैंड है, दूसरा क्या है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड है, और तीसरा संयोजी बैंड है। तो ये आप लोग याद कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछा जाता तो भौतिक विज्ञान में अवश्य पूछा जाता है कि ये कितने, इसमें ठोसों में कितने बैंड होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कोई भी ठोस है तो वो अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब ये अपनी कक्षा को छोड़कर ऊपरी कक्षा में, रिक्त वाली कक्षा में जाते हैं, पास वाली कक्षा में जाते हैं, तो बैंड का निर्माण होता है। ये बैंड तीन प्रकार के होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन कूदता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है उसे चालन बैंड कहते हैं, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान बचता है उसे निषिद्ध ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब चालक, अचालक और अर्धचालक बैंड सिद्धांत के, मतलब इनके बीच की दूरियों के आधार पर हम बताएंगे क्या चालक है, कौन अचालक है, कौन अर्धचालक है। चलो देखते हैं यहाँ पर चालक क्या होते हैं, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, मतलब इनके बीच का स्थान अगर कम से कम हो जाए, इनके बीच का स्थान अगर कम से कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद जाएंगे इसमें। चलो देखते हैं, पहले के लिए यहां पर मान लेते हैं, फिगर ऐसे बनाया गया। ये कौन सा है, चालन बैंड, ये चालन बैंड है, ये चालन बैंड है। और उसके बाद इसमें क्या दिया गया है, दूसरा ये है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। बच्चों इसमें देखना क्या है, इसमें देखिए ये दोनों, मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, इनके बीच में रिक्त स्थान जो दिया गया है वो रिक्त स्थान कितना है, वो रिक्त स्थान कुछ भी नहीं है। तो इनके बीच में अगर रिक्त स्थान नहीं है तो क्या आपको इलेक्ट्रॉनों को इस कक्षा में भेजने के लिए कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक ही में चिपके हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से कूद जाएगा, कोई ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी। तो इनके बीच जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, जीरो। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग शून्य की। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से क्या है, प्रवेश कर जाते हैं,
इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं इसमें विद्युत का चालन होने लगता है, इसमें विद्युत का चालन होने लगता है। तो ये पहला आप लोगों ने क्या समझा, चालक के बारे में। चालक में क्या होता है कि जो ठोस होते हैं उनमें जो ऊर्जा बैंड होते हैं ये इनके बीच का रिक्त स्थान जो होता है एकदम शून्य होता है, मतलब एकदम चिपके हुए होते हैं। ये चिपके हुए होते हैं, कोई जरा सा भी स्थान नहीं होता। जब चिपके हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, आसानी से कूदेगा, कोई ऊर्जा भी नहीं देनी पड़ेगी। इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद जाएगा तो इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही नहीं। जब विद्युत चालन आसानी से हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। तो ये आप लोगों ने समझा, इसको समझ गए, इसमें जो है किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरा है अचालक। अचालक को देखते हैं, अचालक में क्या होता है, अब इसी को दिखाते हैं। इसे मान लेते हैं हम क्या है, चालन बैंड। चालन बैंड ये दूसरा वाला क्या है, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड ये संयोजी बैंड है। अब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, ये दूरी बहुत अधिक है, अर्थात यहां पर इन कक्षकों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इनके बीच की दूरी बहुत अधिक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें कूद पाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चालन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चालन बैंड में तो केवल इलेक्ट्रॉन कूदते हैं। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कूद पाएगा, नहीं कूद पाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश नहीं करेगा। जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा अर्थात संयोजी बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंचेगा तो क्या विद्युत का चालन होगा, नहीं होगा, कोई भी विद्युत का चालन नहीं होगा। यहाँ पर इनके बीच ऊर्जा बहुत अधिकतम होती है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, लगभग कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा रहे हैं, इनके बीच जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड है बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं विद्युत का चालन नहीं होगा। जब विद्युत का चालन नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। अब इसके बाद आपको हम तीसरा बताएंगे, तीसरा दिया गया है निषिद्ध, सॉरी तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक को हम बैंड सिद्धांत के आधार पर पढ़ रहे हैं, अब इसको देखते हैं अर्धचालक क्या है। चलो देखते हैं, यहाँ पर चालन बैंड बनाते हैं, ये चालन बैंड है और ये क्या है, संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड है, और ये क्या है, चालन बैंड। इसमें देखिए इनके बीच जो ऊर्जा अंतर है, ऊर्जा अंतराल है वो कितना दिया गया है, इनके बीच ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इनके बीच जो ऊर्जा का अंतराल होता है डेल्टा ई होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अर्थात इसमें विद्युत का चालन संभव कब होगा, जब इसको ऊर्जा दी जाए, अर्थात इसको जब ताप दिया जाएगा, जब इसको ताप द्वारा गर्म करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें कूदेगा। जब साधारण अवस्था में रखा गया, मतलब अभी ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड है ऐसे ही मतलब रख दिया गया है, तब विद्युत चालन नहीं होगा। लेकिन जब इसको गर्म किया जाएगा, जब गर्म करेंगे ताप देंगे, तब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश करेगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन यह क्रिया कब संभव है, जब उच्च ताप हो। यह क्रिया कब संभव है, जब उच्च ताप हो। कितना ताप हो, उच्च ताप, उच्च ताप हो।
लेकिन उच्च ताप क्या है बनाए रखना संभव नहीं होता है। तो आप लोगों ने क्या सीखा इसमें कि जब ताप बढ़ाते हैं, जब ताप देते हैं, तो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन गति करता है और या चालन बैंड में प्रवेश करता है और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। साधारण अवस्था में इसमें विद्युत धारा प्रवाह संभव नहीं है, जब अधिक ताप देंगे तभी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो बच्चों ये आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर इसमें क्या है आप नोट्स बना लेना, अच्छा से लिखा गया है, जो भी ना समझ में आए उसको जरूर बताना, हम इसको फिर से समझाएंगे। अब नीचे ये आप तीनों इसके भाग पढ़ लिए हैं, अब आपको बताएंगे कि अर्धचालक के कितने भाग हैं, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अर्धचालक को दो वर्गों में बांटा गया है। अब दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। पहला दिया गया है निज या शुद्ध अर्धचालक, निज या शुद्ध अर्धचालक, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम इरेज करेंगे इसको, आप लोग इसको समझ गए होंगे, बना लेना। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। चलो समझते हैं कि निज अर्धचालक क्या होते हैं। निज अर्धचालक देखिए, जो अर्धचालक इस यह हम अभी ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं और निज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अर्धचालक में क्या है, विद्युत का प्रवाह कब संभव होता है, जब ताप देते हैं। अर्धचालक में कब विद्युत धारा प्रवाह संभव है, जब ताप देंगे, बिना ताप के विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। निज अर्धचालकों में क्या होता है, चलो देखते हैं। अधिक ताप देने पर ही अर्धचालकों में बंध टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मतलब ताप देंगे तो उनके बीच जो बंध होता है वो टूट जाता है और उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तब विद्युत का प्रवाह होने लगता है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे हम सिलिकॉन का लेते हैं, सिलिकॉन में दिखाते हैं क्या होता है। सिलिकॉन एक जालक के रूप में होता है, सिलिकॉन क्या है, जालक के रूप में बंधा होता है। ये सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना दिखाई जा रही है। इसको आप लोग बना लेना। ये सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना है। आप देखिए अगर ये बंध यहां से टूट जाए, यदि ये बंध यहां से टूट जाए, तो जब बंध टूटता है तो ये अपने पास के इलेक्ट्रॉन अपने पास लेंगे और ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेंगे। ये अपने पास के इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये अपने पास के इलेक्ट्रॉन लेंगे। बंध टूटता है तो अपने पास पास का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि जो बंध होता है दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है, तो एक बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर बंध टूट रहा है तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। लेकिन इनके बीच जो अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उनके बीच बंध टूटना संभव नहीं है, ये आसानी से बंध नहीं टूटेगा। जब इसको हम टेम्परेचर देंगे, इसको ताप देंगे, हम कौन सा ताप देंगे, उच्च ताप। जब इसको उच्च ताप देंगे तब इनके बीच क्या हो जाएगा, बंध टूटना शुरू हो जाएगा, ये बंध भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब बंध टूटेंगे तब यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तब विद्युत का प्रवाह चालू होगा। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर गमन कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन गमन करेगा तो इलेक्ट्रॉनों के चलने से, गमन करने से विद्युत का प्रवाह होता है। आप लोग पहले भी 9th क्लास या 11th 10th में पढ़ चुके होंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के चलने कारण या आवेशों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है।
जब इसको ताप दिया जाएगा, जब शुद्ध अर्धचालकों के में जो जालक बना होता है उसको ताप दिया जाता है, तो उनके बीच जो बंध होते हैं टूट जाते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लिए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण पूरे क्रिस्टल में क्या है, चक्कर लगाते हैं और विद्युत का प्रवाह होता है, और विद्युत का प्रवाह होता है। यहाँ पर दिया गया है ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है सूक्ष्म मात्रा में होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ताप देने से ही बंध टूट रहा है, इसलिए विद्युत का प्रवाह सूक्ष्म मात्रा में ही संभव होगी। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट्स में इसको लिख लेना, आपको कमेंट करके बताना है कि सर आप यहाँ जहाँ पे समझ में नहीं आया है उसको फिर समझा दिया जाए। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।